हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 19 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है इफ यू मस्ट फाइंड द फॉल्ट्स दिस इज द वे टू बिगन। यानी कि अगर आपको किसी काम में या किसी चीज में फॉल्ट निकालने ही पड़े, आपको सामने वाले को ये बताना ही पड़े कि आप उन्होंने किसी काम में गलती की है या उनकी ये गलती है, तो आप उसे किस तरह से समझाएंगे, कैसे बताएंगे ताकि उसको वो गलतियां ज्यादा हर्ट ना करें। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनको उनकी गलतियां बताई जाएं या उनको कोई गलत कहे। किसी को भी गलत सुनना पसंद नहीं होता। तो इसी क्वेश्चन के जवाब के लिए इस चैप्टर में मिस्टर डेल कार्नेगी ने कई सारे इंसिडेंट शेयर किए हैं, स्टोरी शेयर किए हैं, जो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको पसंद आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टोरी से, जिसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है कि उनके एक फ्रेंड थे कैल्विन कोलिग। जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पर उन मिस्टर डेल कार्नेगी के एक फ्रेंड उनके गेस्ट थे व्हाइट हाउस में। अब अपने वीकेंड पर जब वो व्हाइट हाउस में गेस्ट थे, तो वो ऐसे ही टहल रहे थे उनके प्राइवेट ऑफिस में, तभी उन्होंने मिस्टर कोलिग को ये कहते हुए सुना कि वो अपनी सेक्रेटरी से कह रहे हैं, मैरी आज तुमने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी है, आज तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, बहुत अच्छी दिख रही हो। तो ये चीज एक सेक्रेटरी के लिए बहुत ही बड़ी है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट लेवल का इंसान एक सेक्रेटरी को तारीफ कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है, क्योंकि ऐसा प्रेज, ऐसी तारीफ एक सेक्रेटरी ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद ही कभी सुनी हो। तो वो सेक्रेटरी उनकी बात सुन के काफी कंफ्यूज भी हुई और सरप्राइज भी हुई कि मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ही प्रेज कर रहे हैं, मुझे अट्रैक्टिव कह रहे हैं, मुझे सुंदर कह रहे हैं। तब मिस्टर कोलिग ने कहा कि अरे अरे, ज्यादा परेशान मत हो, मैंने ये सिर्फ इसलिए ही कहा कि तुम्हें अच्छा लगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे से तुम अपनी पंक्चुएशन में थोड़ा सा केयरफुल रहो, पंक्चुएशंस को लेकर, और स्माइल करके वहां से चले गए। इसके जो पीछे जो एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, वो बहुत ही इफेक्टिव, वो भी बहुत ही सुपर्ब है। क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं या कोई हमारी तारीफ करता है, तो हमारा जो दिमाग होता है, वो कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे हमारे दिमाग में 10 चीजें दौड़ रही हो, हमारा माइंड एक रिसेप्टिव पोजिशन में आ जाता है, कुछ सुनने, समझने और एक्सेप्ट करने की पोजीशन में आ जाता है। और जब उस पोजीशन में होता है, तो हम सामने वाले की सभी बातों को समझते हैं। जो हमारा माइंड होता है, उस टाइम पे शांत होता है, और अपनी कमियां हो या अच्छाइयां हो, उसको हम गहराई से उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सामने वाले को स्टार्टिंग में ही नेगेटिव बोल दें, तो हमारा जो दिमाग होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, ऊपर से कोई सामने वाला आपको गलत बोले या आप में गलतियां निकाले, कमियां निकाले, तो आपका दिमाग जो अंदर से आपका दिमाग भड़क जाता है एक तरह से, और वो इस सोच में नहीं पड़ता कि मुझे अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए या मेरे मैंने ये गलती की, बल्कि इस जद्दोजहद में लग जाता है कि इसने मुझे ऐसा ऐसे कह दिया, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सबको मैं ही गलत दिखती हूँ, मेरे अंदर ही कमियां नजर आती हैं, खुद ही कमियां तो कोई देखता नहीं है। तो माइंड अपनी कमियों की जगह कॉन्सेंट्रेट करने की जगह इंसान की सोच पर उसका दिमाग चला जाए। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टोरी की तरफ, जिसमें इसी मेथड का यूज किया मिस्टर मैकिंडले ने 1896 यानी कि 1896 में। वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, और जब प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे थे, तो बहुत ही फेमस रिपब्लिकेशन के जो राइटर थे, उन्होंने मिस्टर मैकिंडले के लिए एक स्पीच तैयार की ताकि वो अपने भाषण में उसे बोल पाए। तो वो स्पीच जब उन्होंने लिखी, तो उसमें सारी चीजें मेंशन की गई थी कि उनके कॉम्पिटिटर कैसे हैं, किस तरह की राजनीतियां कर रहे हैं, और किस तरह से अपनी पार्टी को चला रहे हैं, क्या फ्रॉड कर रहे हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये वो सारी चीजें उस स्पीच के अंदर उनके राइटर ने डाली थी। और वो उस स्पीच को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही उत्साहित थे। उनको लगता था कि ये स्पीच बिल्कुल परफेक्ट है और उनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा अच्छी है। तो जब ये जोश था और ये उत्साह था उनके अंदर, तो उन्होंने इसी उत्साह
और जोश के साथ अपनी ये स्पीच मिस्टर मैकिनले के सामने बोली। अब जब मिस्टर मैकिनले ने ये स्पीच सुनी तो मिस्टर मैकिनले को ये स्पीच ज्यादा पसंद नहीं आई। अब वो चाहिए नहीं चाहते थे वो उस राइटर को ये बोले कि ये स्पीच परफेक्ट नहीं है इस ओकेजन के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस राइटर ने ये स्पीच लिखी है उसके अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचे, उनको दुख हो, क्योंकि सच में उसने अपने दिल से लिखी थी, तभी तो इतना उत्साह था, इतनी जोश थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने कहा कि दोस्त, मेरे दोस्त, तुमने ये स्पीच सचमुच बहुत ही अच्छी लिखी है, ये एक मीनिंगफुल स्पीच है, इसमें तुमने उन सभी फाइन पॉइंट को इंक्लूड किया है जो एक अच्छी स्पीच में होने चाहिए। ये स्पीच कई ओकेजन में सच में बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगी अगर वहां बोली जाए तो, ये उस जगह पर रामबाण की तरह इलाज करेगी। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है कि इस ओकेजन के लिए ये स्पीच उतनी ही साउंड, उतनी ही सोबर है जितनी इसे होना चाहिए? एक बार तुम पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इस स्पीच को सोचो और सोचो कि तुम खुद इस पार्टी के मेंबर हो, तब मुझे बताओ क्या ये स्पीच इस ओकेजन के लिए परफेक्ट है। तब उसके जो राइटर था तो उसको थोड़ा सा लगा कि नहीं, इस ओकेजन के लिए इतनी भड़काऊ टाइप की स्पीच नहीं होनी चाहिए। तब मिस्टर मैकिनले ने कहा कि अच्छा, अब एक काम करो, तुम घर जाओ और मैं इस स्पीच में कुछ ब्लू पेन से कुछ लाइनें थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ, तुम इस स्पीच को उन इम्प्रूवमेंट के साथ दोबारा से लिखो और कल आकर मुझे सुनाना, उसकी एक कॉपी मुझे भेज देना। तो उनके राइटर ने ऐसा ही किया, मिस्टर किंडले ने उस स्पीच को लिखवाने में पूरी तरह से अपने राइटर की हेल्प की और नेक्स्ट डे उनके रिपब्लिकेशन के राइटर ने मिस्टर मैकिनले को वो स्पीच भेज दी और उसी स्पीच को पढ़कर मिस्टर मैकिनले अपने जो कैंपेन जो चल रहे थे उसमें सचमुच बहुत इफेक्टिव स्पीकर बनकर उभरे। तो ये था तरीका कि सामने वाले को बिना चोट पहुंचाए, बिना हर्ट किए उनको ये एक्सप्लेन किया जाए कि उन्होंने गलती की है। अब बढ़ते हैं थर्ड यानी आखिरी इंसिडेंट के बारे में। इस चैप्टर में 5 इंसिडेंट हैं, लेकिन इस पार्ट में मैं 3 इंसिडेंट शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जो थर्ड इंसिडेंट है उसमें आपने सुना होगा मिस्टर अब्राहम लिंकन के बारे में। प्रेसिडेंट थे व्हाइट हाउस में, सिविल वॉर के टाइम पे मिस्टर प्रेसिडेंट के कई सारे जनरल आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने उस टाइम पर एक लेटर लिखा था अपने एक जनरल को, उनका नाम था मिस्टर जोसेफ होकर। उन्होंने उनको एक बहुत ही तीखा लेटर लिखा था, लेकिन इस तरह से लिखा था कि उस लेटर को ऑक्शन में 1926 में 12,000 में बिड किया गया और ये मनी इतनी बड़ी थी कि मिस्टर लिंकन के पूरी लाइफ में उन्होंने 50 साल में दिन रात मेहनत करके इतनी सेविंग नहीं की होगी जितनी वैल्यू उस समय उस लेटर की थी। और ये लेटर जो था वो उनके लाइफ का सेकंड बहुत ही मूल्यवान लेटर था। पहला जो लेटर था वो उन्होंने मिक्स बी को लिखा था जब उनके 5 बेटों की डेथ हो गई थी लड़ाई के दौरान, तो उनको सांत्वना देने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा मिसेस विक्सबी को, जो उनका एक पहला यादगार लेटर था। लेकिन जिस लेटर की बात हम कर रहे हैं वो उनका सेकंड यादगार लेटर है जो उन्होंने सिविल वार के सबसे डार्केस्ट पीरियड में लिखा था, एक ऐसा पीरियड जब उनकी आर्मी पूरी तरह से विफल हो रही थी, जगह जगह पर वो हार का सामना करना पड़ रहा था, उनके बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर धूल हो गए थे, चारों तरफ उनको नाउम्मीदी नजर आ रही थी, कुछ भी अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा था। और यहाँ तक कि उनके जो रिपब्लिकेशन के मेंबर थे, उनकी सेनेट पार्टी के रिपब्लिकेशन के जितने भी मेंबर थे, मिस्टर लिंकन से ये डिमांड करने लगे थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस पोस्ट के काबिल नहीं है। तो मिस्टर लिंकन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे जितने भी जर्नल थे और सबसे इम्पोर्टेंट जर्नल थे मिस्टर जोसेफ होकर, वो कुछ डिक्टेटर टाइप के
जर्नल हो गए थे। नॉर्मली जो आर्मी जर्नल होते हैं उनका काम होता है अपनी आर्मी को ट्रेंड करना, उन्हें गाइड करना और लड़ाई में विजय हासिल करवाना। लेकिन उस टाइम पे मिस्टर हुकर थे, वो अपनी जो बटालियन थी, अपनी आर्मी थी, उनके माइंड में एक चीज भर रहे थे कि इस समय हमारी आर्मी को और हमारी गवर्नमेंट को एक डिक्टेटर की जरूरत है, एक ऐसे डिक्टेटर की जो अपनी बात मनवाना जानता हो, किसी भी तरह से जीत हासिल करना चाहता हो, जो भी उसे चाहिए वो हासिल करे। तो उनकी इस फितरत की वजह से, उनके इस नेचर की वजह से बाकी और भी जो जनरल थे वो भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगे थे। उनका मकसद इंसानियत नहीं रह गया था, वो अच्छे इंसानों को भी लड़ाई जीतने के लिए मार रहे थे, अपने अच्छे लोगों को भी बिना इंसानियत की फिक्र किए धूल होने दे रहे थे। यही प्रॉब्लम पूरी जनता में फैली थी, पूरे पब्लिक में फैली थी कि कोई जो जनरल है वो डिक्टेटर हो गए हैं, उनको किसी की फिक्र नहीं है किसी, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी जनता की कोई भी परवाह नहीं है। इसी दौरान मिस्टर लिंकन ने मिस्टर हुकर को लेटर लिखा। सबसे पहले उन्होंने लिखा, मैं जानता हूं कि आप एक बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, बहुत ही काबिल जनरल हैं, और आपकी इसी काबिलियत से प्रेरित होकर मैंने आपको अपनी आर्मी की कमांड आपके हाथ में सौंपी थी। और जिस टाइम पे मैंने कमांड आपके हाथ में सौंपी थी उस टाइम पे मेरे पास इनफ रीजन थे कि मैं आपको ये कमांड सौंपूं, क्योंकि आपने खुद ये प्रूफ किया था कि आप वो कमांड हासिल करने के काबिल हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। आप एक बहुत ही ब्रेव इंसान हैं, बहुत ही कुशल इंसान हैं, आपने हमें बहुत सारी सक्सेस भी दिलाई हैं, आप कभी किसी से नहीं डरते, और सबसे बड़ी बात आप पॉलिटिक्स को और आर्मी को आपस में मिक्स नहीं करते, और ये आपका बहुत ही बड़ा टैलेंट है। आप एक बहुत एम्बिशियस इंसान हैं, और लेकिन आप अपनी एम्बिशन की लिमिट भी जानते हो, आपकी एम्बिशियसनेस की वजह से कभी भी किसी सामान्य इंसान को हानि नहीं हुई, ना ही आपके दोस्तों को किसी तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन जब से आपने वन साइड आर्मी की कमांड संभाली है तब से ऐसा हो रहा है, आपकी जो एम्बिशनेस है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आप बिना अपने भाइयों के हित के बारे में सोचे, बिना जनता के हित के बारे में सोचे, सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने एग्रेशन को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपकी वजह से हमारे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर को हमें खोना पड़ा है, उनका बहुत नुकसान हुआ है, उनकी जान गई है, और कईयों की मान प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कि आप अपनी पूरी आर्मी में और बाकी लोगों में ये बात फैला रहे हो, और ऐसी जगह से हमने सुना है कि आपने कहा है कि उसको गवर्नमेंट को और आर्मी को इस समय सामान्य जनरल की नहीं बल्कि एक डिक्टेटर की जरूरत है, और आपकी जो ये स्प्रिट है, डिक्टेटरशिप की स्प्रिट है, वो पूरी आर्मी में, पूरी कमांड में, आपके बाकी भाइयों में भी फैल रही है, जिसकी वजह से मानवता का और नेशन का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और मैं चाहता हूँ ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि चाहे आप हो, चाहे निपोलियन, चाहे वो दोबारा पैदा हो जाए और इसी डिक्टेटरशिप स्प्रिट के साथ कुछ भी हासिल करने की कोशिश करें, तो ना ही आप कुछ हासिल कर सकते हो, ना ही नेपोलियन हासिल कर सकता है, क्योंकि इस स्प्रिट से आपकी जो आर्मी है, आपकी जो सेना है, उसका विश्वास अपने कमांडर से हट जाएगा, वो आप में अपना विश्वास खोने लगेगी, और पूरी पूरी आर्मी आपको क्रिटिसाइज करेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो आपके लिए लड़ना छोड़ देगी। आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे हालात में, ऐसी कंडीशन में मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए? आगे भी हमारी प्रेसिडेंट की तरफ से जो सेना को हेल्प मिलती है, जो उसको सपोर्ट मिलता है, वो भी आपको मिलता रहेगा और इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन आप बताइए, जो आप कर रहे हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या आप खुद खुद पर भरोसा कर पाएंगे, या मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए? अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें और हमें जीत दिलाएं, लेकिन डिक्टेटरशिप के बगैर, एक कमांडर की तरह, सेना के कमांडर की तरह अपनी आर्मी को दोबारा से बूस्ट कीजिए और हमें जीत दिलाइए। ये लेटर मिस्टर
लिंकन ने मिस्टर बूफर को, जोसेफ बूफर को लिखा और काफी कड़े शब्दों में लिखा, मैंने अपने वर्डों में बोला है इसलिए एग्जैक्ट वर्ड आप ये मत सोचिए कि मैंने एग्जैक्ट वर्ड को नरेट किया है, मैंने उसके मीनिंग को नरेट किया है। आपको एग्जैक्ट लेटर अगर देखना है तो उसके लिए आपको बुक ही खरीदनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों इंसिडेंट क्लियर हुए हूँ और इनके पीछे का जो मेन पॉइंट है कि आप किसी को भी किसी गलती बताने से पहले उसकी अच्छाइयाँ, उसको थोड़ा सा प्रेज करें, उसकी तारीफ करें, ताकि वो उस पोजीशन में आ जाए कि वो आपकी बात सुने और उसको अपनी गलती पर फोकस रहे और उसको सुधारने की कोशिश करें। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल है तो अपने फ्रेंडों में भी इसे शेयर कीजिए। आगे इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।